नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जिस शेयर के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे। दोस्तों ये आपको डिविडेंड भी दे रहा है और रेगुलर डिविडेंड पे करती है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे किया है 2020 में, जिस साल पैंडमिक आया है, लोगों के पास काफ़ी रुपये की कमी है। ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट अगर इस शेयर में होता तो निश्चित है आप अच्छा खासा डिविडेंड प्राप्त करते, और ये हर पैंडमिक से काफ़ी सुरक्षित शेयर है। दोस्तों इस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो शेयर है हमारा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। काफ़ी बेहतरीन शेयर है और आप देख सकते हैं कि इस शेयर पर पैंडमिक का कोई असर नहीं पड़ा है। देखते हैं यहाँ पर, आप देखिए चार्ट पे, तो इसमें कोई गिरावट नहीं। एक साल के अंदर देख लीजिए प्राइस में जो गिरावट आई थी मार्च में, तो जिस समय गिरावट आया उसके बाद जस्ट ये अपना ऑल टाइम हाई बनाया। यहाँ पर देख सकते हैं 2600 रुपये के आसपास ये ऑल टाइम हाई बनाया। आप यहाँ पर चार्ट पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर हाई बनाया था। वहाँ के बाद जब सारा शेयर अपना हाई बनाने लगा तो ये यहाँ से देख सकते हैं करेक्शन दिखा रहा है। लगातार ये अपने करेक्शन मोड में अभी पे चल रहा है, मतलब टाइम वाइज करेक्शन है, या प्राइस वाइज कोई करेक्शन नहीं हो रहा, टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है। एक ही प्राइस पर अपना टाइम मतलब स्पेंड कर रहा है। और जो अब रिजल्ट आया है इससे, इसमें काफ़ी तेज़ी देखने आपको मिल सकती है। 8% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट में, और दोस्तों रेवेन्यू भी जंप किया है। साथ साथ 14 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर दे रहा है, पर शेयर 14 रुपीज़, और पहले भी 35 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दे चुका है ये कंपनी। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है HUL, और लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो चार्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। देख लीजिए चार्ट कितने सॉलिड है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन चार्ट में से एक है, और जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन चार्ट है। ऐसे ही चार्ट जिस स्टॉक का हो जिसमें कभी भी मतलब चार्ट में वीकनेस नहीं हो, चार्ट में काफ़ी गिरावट नहीं हो, उतार चढ़ाव नहीं हो, वैसे में ही हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इसका हम लेवल्स टारगेट की भी बात करें, किस लेवल्स और टारगेट पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी डिविडेंड कब दे रही है। तो दोस्तों सबसे पहले वैल्यूएशन पे क्लिक करते हैं, तो देख लीजिए वैल्यूएशन 5,10,000 करोड़ मार्केट कैप है कंपनी का, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो स्टॉक मार्केट के टॉप 10 कंपनियों में आती है ये, और यहाँ पर डिविडेंड देख लीजिए 3400% का डिविडेंड, फेस वैल्यू 1 रुपया है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड पे किया है, और ये जो डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड अब मिल रहा है, ये ऐड होगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है कंपनी। और यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स पर चलते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिविडेंड, यहाँ पर देख लीजिए जुलाई 2020, जून 2020, यहाँ पर देख लीजिए दो बार 2020 में पे कर चुका है पहले ही, और फिर से यहाँ अक्टूबर 2020 में आ चुका है डिविडेंड। तो दोस्तों इतना ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, और ये इसका एक्सपायरी डेट है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर से पहले जिनके पास भी मतलब ये स्टॉक्स होगा उनको डिविडेंड मिलेगा, और बोनस अभी कंपनी नहीं पे की है, हो सकता है बोनस भी आपको आने वाले समय में पे करता हुआ दिखे। और फाइनेंशियल पर चलते हैं, तो फाइनेंशियल काफ़ी ज़बरदस्त है कंपनी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तो आपको सेप्टेम्बर तक का ही मिलेगा, जो सितंबर, तो सितंबर क्वार्टर का ही आज आया है प्रॉफिट। यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट हो चुका है मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, और यहाँ देख लीजिए 1,974 करोड़ का प्रॉफिट है, और जो कि पिछले क्वार्टर सितंबर क्वार्टर से देख लीजिए 8% का जंप है प्रॉफिट में। यहाँ पर रेवेन्यू देख लीजिए 10,000 करोड़ का था, यहाँ पर हो गया 11,600 करोड़ का। यहाँ पर देख लीजिए सेल्स, तो सेल्स भी काफ़ी जंप हुआ है, प्रॉफिट भी काफ़ी जंप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेहतरीन स्टॉक्स है, हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं इस पैंडमिक में, उसे ये एक्वायर भी कर सकती है, क्योंकि अभी जो बहुत सारी कंपनियां प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उन सारी कंपनियों को ये एक्वायर कर सकती है जो भी कंपनियां ट्रबल में होगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी थोड़ा सा यहाँ डिक्रीज हुआ है मतलब मार्च 2020 के बाद, लेकिन जो भी है अच्छा मतलब प्रमोटर्स का होल्डिंग है जो कि आपके लिए सेफ है। इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग आपके लिए काफी सेफ है। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट भी कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा रिजर्व है कंपनी के पास। तो रिजर्व और सरप्लस देख लीजिए 7,998 करोड़ का, मतलब 8,000 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस है कंपनी के पास। डेट देखिएगा तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म डेट 0 है, तो हर चीज जबरदस्त है कंपनी के पास। फिर चलते हैं नीचे, तो देखिए सारा चीज काफी बेहतरीन है। यहाँ पर नीचे चलते हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000 करोड़ का, तो काफी ज्यादा मतलब कैश रिच कंपनियां है। तो इस स्टॉक में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी भी गिरावट मिलता है तो नीचे के लेवल पर मिलता है आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो अब हम इसके रिजल्ट को देख लेते हैं, फिर हम इसके लेवल्स और टारगेट की बात करेंगे। तो ये देख लीजिए ये रिजल्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको
ऊपर कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए रिजल्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है तो हमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट से ही मतलब है। इधर हमारा सिक्स मंथ का रिजल्ट दिया है सिक्स मंथ के इंटरवल पर, ये हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है लेफ्ट साइड, तो हमें इसी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से मतलब है। तो जून क्वार्टर 2020 देखते हैं यहाँ पर, सेप्टेम्बर क्वार्टर 2020 और सेप्टेम्बर क्वार्टर 2019, मतलब पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर कर सकते हैं, और जो पिछले साल का जो क्वार्टर है मतलब सेप्टेम्बर उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, और जो जून क्वार्टर है 2020 का उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सेल्स 11,776 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर से जो ये देखिएगा तो 10,885 करोड़ था, काफ़ी यहाँ से अप है, और जो जून सेप्टेम्बर क्वार्टर 2019 था उससे काफ़ी और ज़्यादा 10,223 करोड़ था, देख सकते हैं सेप्टेम्बर 2019 का मतलब जो सेल्स है हमारा, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सेल्स में वृद्धि हुआ है। अब चलते हैं नीचे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जो मतलब प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उससे हमें मतलब है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1,967 करोड़, और जो कि सेप्टेम्बर क्वार्टर 2019 है उससे काफ़ी अधिक है, 1,821 करोड़ था सेप्टेम्बर क्वार्टर 2019 में, और इस बार 1,967 करोड़ हो चुका है, काफ़ी मतलब प्रॉफिट में जंप हुआ है, और पिछला क्वार्टर जो है उससे भी काफ़ी जंप हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में जंप, सेल्स में जंप, तो निश्चित है ये स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं वीकली चार्ट, हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का लगाया है, वीकली चार्ट पर आप देख लीजिए कभी भी इसका जो लो है पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, ये दो साल 2015-17 तक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, उसके बाद आप देख लीजिए कभी भी ये इसका जो लो है 2010 के बाद, यहाँ पर 2009-10 के बाद 2010 से ये स्टॉक चला है, तो कभी अपना पिछला लो ब्रेक नहीं किया, उससे पहले ये अपना लो ब्रेक किया था देखते हैं 2000 ईस्वी में जो इसका हाई था 300 रुपये का था, और यहाँ पर देख सकते हैं 2004 में ये 100 रुपये के आसपास आ चुका था, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरावट आई थी, लेकिन 2010 के बाद देखेंगे तो ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है, यहाँ पर दो साल तक के लिए कंसोलिडेट हुआ, लेकिन कोई भी मतलब कंसोलिडेशन जो प्राइस वाइज नहीं हुआ, टाइम वाइज करेक्शन हुआ यहाँ पर, मतलब एक ही प्राइस पर ऊपर नीचे होता रहा दो साल तक, उसके बाद लगातार स्टॉक्स अप ट्रेंड में है। तो अब हम डेली चार्ट पर चलते हैं, डेली चार्ट पर हम देखेंगे कि किस प्राइस और लेवल्स पर आपको बाय करना चाहिए और क्या आपका स्टॉप लॉस होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप चार्ट को थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से मतलब यहाँ पर दिखे, तो देख सकते हैं ये हमारा डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा है 2019 दिसंबर से अभी जो हमारा शेयर का प्राइस है एक ही प्लेस पे है, और यहाँ पर आपको लगातार सपोर्ट दिख रहा होगा, ये है हमारा 2000 रुपीज़ का ये इसका सपोर्ट है, और 2000 रुपीज़ को कभी भी ब्रेक करता है तो आप निश्चित रूप से इसमें बाइंग कर सकते हैं, या आप अभी बाइंग करते हैं 2000 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस होगा, या यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन आया तो हो सकता है मार्केट पॉजिटिव रिस्पॉन्स करे तो इसमें स्टॉक में आपको तेज़ी देखने सकती है। और यहां पर देख सकते हैं जब अप्रैल में सारे स्टॉक्स पीटे हुए थे, सारे स्टॉक्स अपना लो बना रहे थे, तो ये स्टॉक्स अपना हाई बना रहा था ऑल टाइम का, तो 2000 रुपीज इसका सपोर्ट है, और जो जब ये फिर से क्रॉस करेगा 2500 2600 तो यहां से एक बड़ा मोमेंटम आपको ऊपर देखने मिल सकता है, तो आप चाहें तो इसमें SIP करना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP मोड में इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, और हर गिरावट में आपको इन्वेस्ट करना, या तेजी आता है तो हर तेजी पर आपको एक मतलब जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होगा आप निश्चित कर लेंगे 10 स्टॉक, तो हर इंटरवल पे 10-10 स्टॉक आप बाय करते रहेंगे, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका हो गया 2000 रुपीज का, उससे नीचे जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना है अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अब रिजल्ट आया है, रिजल्ट पे देखना है कल मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप इतना निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे कि आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह स्टॉक्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।